मम्मा क्या कर रहे हैं? ये नवरात्रि में नारियल लाए थे पूजा करने के लिए, तो अष्टमी के दिन बहुत सारे नारियल चढ़ाए तो बच गया है, तो मैं सोच रही इसका मिठाई बना दे, इसलिए इसको निकाल रही हूँ नारियल। ये नारियल को ना थोड़ा संभल के निकालना पड़ता है, नहीं तो क्या है ये हाथ में लग जाती है चोट। पता नहीं नारियल कैसे रह जा रहे हैं, पूरे छिलके इसी में लगे रह जा रहे हैं। देखो ऐसे भी इसका छिलका निकालना पड़ता है। चलो अच्छा है निकल गया पहले से, एक कोई कोई सा अच्छा निकल रहा है, बाकी नारियल बहुत अच्छे निकले हैं। नारियल निकालते निकालते मुझे याद आया कल मैं राशन लाई थी, तो मैं राशन जमाने लगी और ये देखिए इनके पापा को मैंने नारियल किसने दे दी। राशन के सामान को हल्दी और नमक के पानी से पोंछ रही हूँ। यार फिर से कहाँ कोरोना आ गया, अब वही है एक एक सामान को पोंछते रहो हल्दी और नमक के पानी से, और मास्क लगा के घूमो, सैनिटाइजर यूज करो, कहाँ के कहाँ हर साल आ जाता है कोरोना। मेरी लड़की को रेड लेबर चाय पत्ती पसंद है और इनके पापा को अग्नि चाय पसंद है, तो दोनों के लिए अलग अलग लाना पड़ता है। मैं ना दोस्तों घर ही में मसाला पीसती हूँ, पैकेट वाला मसाला में ना मिलावट सा रहता है। मैं खड़ा मिर्च और खड़ा धना ले आती हूँ और घर में पीस के रख लेती हूँ, उससे सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा रहता है। आ गया है दोस्तों, अब मैं मिठाई बनाने जा रही हूँ। एक घी मैंने घर में बनाई हूँ, इसे डाल रही हूँ इसमें, थोड़ा सा घी लेके भूंज लेंगे। घर की घी की बात ही कुछ और होती है दोस्तों, बहुत ही एकदम सुगंधित होती है और खाने में हेल्दी होती है। अब मैं इसे इसमें डाल दे रही हूँ नारियल, भूज लूंगी अच्छे से, अच्छा भून जाएगा। अच्छे इसे भूरे कलर में भूज लूंगी। अमूल दूध जो आता है ना दोस्तों पैकेट वाला, उसी से मैंने मलाई इकट्ठा करके घी निकाली थी। देखिए कितना, ये पूरा भर के निकाली थी, इतना हो गया है खाली। इसे अच्छा लाल होते तक अच्छे से भूंज लेंगे। हमारे इंडिया में बहुत तरह तरह की मिठाइयां बनती है, पर नारियल की मिठाई की कुछ बात ही अलग है। ये नारियल का मिठाई केरल साइड में ज्यादा बनाते हैं। दोस्तों ये हो गया, भूंज गया अच्छे से, देखिए कितना अच्छा भूरा कलर आ गया है एकदम, इससे मिठाई बहुत अच्छा बनेगा। अब इसमें चाशनी बना लेंगे दोस्तों मिठाई के लिए, थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं, अब इसमें शक्कर डालेंगे, इसमें 2 कटोरी शक्कर डाल देंगे दोस्तों। अब इसका चाशनी बना लेंगे, एक तार वाला चाशनी बना लेंगे, फिर इसमें नारियल डाल के जमा देंगे। अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दे रहे हैं, कलर डालने से कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम बिल्कुल हरा हरा हो गया, एकदम सुंदर दिखेगा मिठाई। ये चाशनी को देख ले रहे हैं, थोड़ा इसमें डाल के ये जम गया, हो गया चाशनी। अब इसको डाल देते हैं इसमें,
देखिए दोस्तों, इसे मैं गोल गोल लड्डू के आकार में शेप दे दे रही हूँ। बात एक ही है, लड्डू बनाइए या बर्फी बनाइए, खाने में स्वाद एक ही आता है। देखिए दोस्तों, नारियल के गोल गोल लड्डू तैयार है। कितना सुंदर बना है, कितना प्यारा बना है, खाने में बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी है। आपको पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब।